पूरे प्रदेश भर के अंदर आज तीन मुहिमों को लेकर जननायक जनता पार्टी प्रत्येक जिले में आगे बढ़ेगी, जिसके अंदर पहला तो रोजगार मेरा अधिकार है, जहां हर बेरोजगार से संपर्क साध कर उसकी एक डिटेल इकट्ठी कर इस सरकार पे दबाव बनाया जाएगा कि आगामी विधानसभा सत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश में रोजगार मेरा अधिकार अधिनियम लागू हो, जिसमें 75% प्राइवेट रोजगार के अंदर भी हरियाणवियों के लिए आरक्षण। दूसरा, जहाँ हमारा वादा है एक कर्ज माफी का, और कर्ज माफी के साथ साथ बुढ़ापा पेंशन महिलाओं की उम्र 55 साल और बुजुर्गों की 58 साल कर, उसके लिए भी हम गाँव के वार्ड के एक घर तक जाकर संपर्क साधेंगे और लोगों से ये आग्रह करेंगे कि वो इस मुहिम में जुड़े कि आने वाले भविष्य में उसका फायदा आम जन तक पहुँचे। एक उद्देश्य है परिवर्तन का, और आप जिस तरह के हालात आज प्रदेश में बनते देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज 10 सांसद जीत कर भी दिन प्रतिदिन अपने कॉन्फिडेंस को या और कॉन्फिडेंस में बदलने का काम कर रही है, जनता उसका जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस का बिखराव आपको दिख चुका है, तो आज इन दोनों के सामने अगर कोई अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव केवल मात्र जननायक जनता पार्टी है, और उसके लिए हम मिलकर आगे काम। हम गांव में जा रहे तो उसके लिए जहां हमने 12 हलकों को कवर कर लिया, आज उसी प्रोग्रेस के अंदर उचाणा की भी मीटिंग है 4 बजे, जहां सिर्फ जो बूथ पे एजेंट बैठे थे लगभग 187 बूथों के ऊपर जो साथी बैठा था उनकी अलग से बैठक ली जाएगी, और उनको फिर आगे किस प्रकार से हमने बढ़ना है, बूथ को किस तरीके से सिंक्रोनाइज करना है, उसके पंजाब के बॉर्डर लगते हुए जिलों के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा रैकेट आज हरियाणा के अंदर भी ड्रग्स का चल रहा है, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल हो, और जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के बारी बारी नोटिफिकेशन के बाद भी हरियाणा सरकार में बैठे लोग इसको नहीं रोक पा रहे, पुलिस वाले नहीं रोक पा रहे, ये साबित कर देता है कि आज इन लोगों की मंशा यही है कि किसी न किसी तरीके से इस ट्रेड को ना रोका जाए। जो लोग पंजाब में जाकर बड़ी बड़ी रैलियां करा करते थे कि हम नशे को पंजाब से समाप्त करेंगे, हरियाणा में उनकी सरकार होते हुए आज अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है तो स्पष्ट संकेत है कि वो लोग इस व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। जेजेपी किस तरह से नशे को लेकर कुछ अभियान चलाएगी या जोड़ेगी आपने? देखो बिल्कुल, जहाँ रोजगार मेरा अधिकार की बात करें, हम तो उसी युवा से जुड़ने का काम कर रहे हैं जो बेरोजगार बैठा है, और जहाँ नशे की बात आती है स्पेशली टारगेट उसी एज ग्रुप को किया जाता है जो आज कॉलेज के अंदर एंटर कर रहा है या डिग्री लेकर घर बैठा है, और पूरे देश के अंदर एक ऐसा नेक्सस चलाया जा रहा है। मैं परसों देख रहा था कि लगभग 40-50 करोड़ के नशीले पदार्थ को हमारे नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और एक कैंपेन के तहत ऐसी चीज़ें पकड़ी गई। हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस को भी मिलकर सबसे पहले कदम उठाना चाहिए, और जिस तरीके से जहां हमारे बॉर्डर टचिंग एरियाज हैं वहां ये चीज़ बढ़ रही है, तो ये साबित हो जाता है कि इसके अंदर जहां गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री का फेलियर है, वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 100 डेज हैं, वो 75 कब 25 हो जाए और कब 5 हो जाए किसको पता है। 4 से अगर ये लोग 47 पहुँच सकते हैं, 2 से 1 से ये लोग 10 पहुँच सकते हैं, तो रिवर्स नंबर आने में भी कोई समय नहीं लगता। एक समय तो कांग्रेस का था जब वो 432 सीटें जीतकर पार्लियामेंट में गई थी, और आज वही कांग्रेस 51-52 पर आकर रुकी, तो समय की और परिवर्तन की बात है। हमें तो 6 महीने हुए थे संगठन खड़ा किए, और मैं ये मानता हूँ एक एक साथी ने संगठित होकर काम करने का प्रयास किया। हमारे लिए टारगेट लोकसभा नहीं था, हमारे लिए टारगेट आगामी विधानसभा है, और जननायक जनता पार्टी के एक एक साथी मजबूती से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आज मैदान में। पूरे प्रदेश भर के अंदर आज तीन मुहिमों को लेकर जननायक जनता पार्टी प्रत्येक जिले में आगे बढ़ेगी, जिसके अंदर पहला तो रोजगार मेरा अधिकार है, जहां हर बेरोजगार से संपर्क साध कर उसकी एक डिटेल इकट्ठी कर इस सरकार पे दबाव बनाया जाएगा कि आगामी विधानसभा सत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश में रोजगार मेरा अधिकार अधिनियम लागू हो, जिसमें 75% प्राइवेट रोजगार के अंदर भी हरियाणवियों के लिए आरक्षण। दूसरा,
जहाँ हमारा वादा है एक कर्ज माफी का, और कर्ज माफी के साथ साथ बुढ़ापा पेंशन महिलाओं की उम्र 55 साल और बुजुर्गों की 58 साल करने, उसके लिए भी हम गांव के वार्ड के एक घर तक जाकर संपर्क साधेंगे और लोगों से ये आग्रह करेंगे कि वो इस मुहिम में जुड़े कि आने वाले भविष्य में उसका फायदा आम जन तक पहुंचे। एक उद्देश्य है परिवर्तन का, और आप जिस तरह के हालात आज प्रदेश में बनते देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज 10 सांसद जीत कर भी दिन प्रतिदिन अपने कॉन्फिडेंस को या और कॉन्फिडेंस में बदलने का काम कर रही है, जनता उसका जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस का बिखराव आपको दिख चुका है, तो आज इन दोनों के सामने अगर कोई अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव केवल मात्र जननायक जनता पार्टी है, और उसके लिए हम मिलकर आगे काम करें। हम गांव में जा रहे तो उसके लिए जहाँ हमने 12 हलकों को कवर कर लिया, आज उसी प्रोग्रेस के अंदर उचाणा की भी मीटिंग है 4 बजे, जहाँ सिर्फ जो बूथ पे एजेंट बैठे थे लगभग 187 बूथों के ऊपर जो साथी बैठा था उनकी अलग से बैठक ली जाएगी, और उनको फिर आगे किस प्रकार से हमने बढ़ना है, बूथ को किस तरीके से सिंक्रोनाइज करना है, उसके ऊपर चर्चा